तो बिल्डर सुसाइड केस, साजिश है, सियासत है और इसके साथ सस्पेंस भी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज इस चर्चा में जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। जोत सिंह बिष्ट जी उत्तराखंड की सियासत के बड़े चेहरे हैं, बीजेपी में इस वक्त अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। जय सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से इन्होंने कवर किया है। सबसे पहले बिष्ट जी, सवाल खड़ा हो रहा है, भाजपा नेता का नाम कैसे होगी निष्पक्ष जांच? देखिए, अभी एसएसपी के आपने बयान सुने, आपने हमको सुनाया है कि जो दो लोग जिनका नाम आया था गुप्ता बंधु का, उनको 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया और उसके अलावा उनके जो बिल्डर साहनी है, हमारी उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। साहनी जी के परिवार के सदस्यों ने जो बयान दिया उसके आधार पर पुलिस को जो लगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए तो उनको गिरफ्तार किया। उसके अलावा आप जैसा कह रहे हैं कि सफेदपोश या भाजपा नेता, तो पुलिस इस समय प्राथमिक स्तर पर जांच कर रही है। नहीं, एफआईआर में नाम है कि नहीं? एफआईआर तो मैंने पढ़ी नहीं, मैंने एफआईआर नहीं पढ़ी। मैं कैसे कह दूं कि एफआईआर में नाम है कि नहीं? अगर नाम होगा, मैं एक चीज कह सकता हूं कि गुप्ता बंधु जो साउथ अफ्रीका में सत्ता बदल करने के बाद उन पर किसी ने कोई छींटा नहीं मारा, धामी सरकार में 24 घंटे के अंदर उनको जेल के अंदर डालने का काम, सर ओली में रेड कार्पेट आप ही ने बिछाया था, आपकी सरकार थी उस वक्त, रेड कार्पेट बिछा, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं मैं उस पर आपको बात कर रहा हूं। कार्पेट बिछा था कि नहीं बिछा था उनके लिए सर? मैं आज आपको जो आज की स्थिति है मैं ओली गुप्ता बंधुओं की बात कर रहा हूं सर। 500 करोड़ ओली में शादी, उनको गिरफ्तार करना और उसके बाद एक बात कह रहा हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, किसी जिसके खिलाफ भी सख्त सर, यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सफेदपोश नेता अगर उसमें पूरी तरह से पहुंच वाला निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? नहीं छोड़ा गया तो इनको निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी बिष्ट जी? यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, आप इस बात का विश्वास रखिए। गुप्ता बंधु जो अपने आप को हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत बड़ा तोप और तुर्रम खान समझते थे, उनको 24 घंटे नहीं लगे जेल के अंदर जाने में और उसके बाद इतने मजबूत पुलिस और वो शख्स जो आपकी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, वो शख्स उसको कौन बचा रहा है जो आपकी पार्टी का नेता बताया जा रहा है? किसी को नहीं बचा रहे हैं, उनके खिलाफ या किसी के खिलाफ और के खिलाफ भी साक्ष्य मिलेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो ये कह रहे हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिनके लिए रेड कार्पेट बिछाया था उनके लिए आज जेल की सलाखें हैं। बिष्ट जी कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, सत्येंद्र साहनी बड़े ही प्रतिष्ठित और ईमानदार बिल्डरों में गिने जाते थे और निश्चित तौर पर जो है वो व्यथित थे। उनके सुसाइड नोट से इस बात का पता लगता है, उन्होंने पूरी व्यथा उसमें लिखी और जिन लोगों के नाम उसमें लिखे हैं उनमें अभी पूरे लोगों पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि भाजपा नेताओं के नाम है तो जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा ही बता सकती है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है, दो चीजें और निकल के आई है। एक तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि सेव माय फैमिली, मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है, उनको अपना ही नहीं अपने परिवार की जान का भी जो है खतरा था। और दूसरा उन्होंने 14 या 15 दिन पहले जो है अधिकारियों को शिकायत की थी लिखित में और उसके बाद जो अपने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आखिर किसके दबाव में जो है कार्रवाई नहीं हो रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे भी सुखदार है, आप क्या चाह रहे हैं? अधिकारी हैं, आप क्या चाह रहे हैं? नहीं नहीं, निश्चित तो तिलक जी हम ये चाहते हैं, सबसे पहले उनके परिवार को जो है पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए और दूसरा जो पर्दे के पीछे रसूखदार है वो भी कानून के दायरे में आने चाहिए। और जिस भी जांच सही दिशा में बढ़ रही है आगे, नहीं नहीं कहां से बढ़ रही है आप बता ना, बीजेपी के सफेद बोल तो बाहर घूम रहे हैं, वो तो बाहर कहते फिर रहे हैं कि मैं भाई था भतीजा था अलानी फलानी बात आ रही है सामने और दबे जुबान आप करेंगे, कई जो है बड़े लोगों का नाम आ रहा है। जोशिंग तो जब तक जांच सही दिशा में नहीं बढ़ती और ये जो कह रहे हैं कि बड़े लोगों का नाम आ रहा है,
ये तथाकथित मनगढ़ंत आरोप लगाने के बजाय खुलासा करें ना, अगर इनके पास कुछ प्रमाण है प्रमाण दें पुलिस को, गिरफ्तार करें। सुसाइड नोट प्रमाण केवल सुसाइड नोट में जो विकास पर जांच चल रही है सर भाई, जांच चल रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा। आप विश्वास करिए, जब गुप्ता बंधु बाहर जेल से बाहर नहीं आ सकते, जेल की सलाखों में 24 घंटे अंदर ठूसे जा सकते हैं, तो फिर जो भी और जितना भी बड़ा नाम होगा उसको नहीं रखा जाएगा। आप भरोसा रखिए, नाम का खुलासा ना हो इसलिए गुप्ता बंधु को सलाहकार के पीछे पहुंच गए, लेकिन रसूखदारों के पर सफेद पोषों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल कार्रवाई होगी, साक्ष्य मिलेंगे तो कार्रवाई होगी। उसके बाद की कृपा हो रही है। रसूखदार, सफेद पोष, ये शब्द बड़े आम हो गए हैं, इनको कह करके किसी के खिलाफ उंगली का इशारा करके उसको सांसद में फंसाने के बजाय नाम खोलिए ना, किसका नाम है किसका, मैं बताता हूँ। आप नाम लीजिए, आप नाम लेने का साहस नहीं कर रहे हैं शिशवाल भाई। अगर अगर लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट में तो नाम खोलिए तो जरा, न तो चावला साहब ने नाम खोला न आप नाम खोल रहे हैं, खोलिए ना जरा नाम, बताइए किसका नाम है। हम तो कह रहे हैं किसका नाम है, नाम बताइए तो। हम जान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब नाम है और आपकी जानकारी है तो आप नाम क्यों नहीं बता रहे? जांच सही दिशा में बढ़ती है नहीं बढ़ती? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप लोग जब नाम लिखा हुआ है सुसाइड नोट में तो नाम बोलने से क्यों बच रहे हैं? विष्ट जी बोलिए ना नाम, फिर मैं बताता हूँ। एक मिनट जोत सिंह विष्ट जी, जी आप ये चाहते हैं कि मैं सार्वजनिक रूप से उस शख्स का नाम लूं? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप या फिर आप ये चाह रहे हैं कि मैं फिर उन सबका नाम ले लूंगा? एक मिनट रुकिए, मैं उन सबका नाम ले लूंगा जिन जिनका बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ संपर्क है, ले लूं नाम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मैं नाम लूं कामों में। अगर आप चाहते हैं तो मैं सबके नाम ले लूंगा, अपराध नहीं है तिलक जी। ना आप देखिए सर, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आप ये कह रहे हो कि नाम लीजिए तो फिर मैं सबका नाम ले लूंगा। रसूखदार और भाजपा नेता कहा जा रहा है और किसके संपर्क में है आप नहीं जानते सर? मैं कह रहा हूँ बिल्डर से या किसी कारोबारी से किसी नेता का संपर्क होना क्या अपराध की श्रेणी में है? बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि नाम लीजिए? अगर नाम लेना है तो मैं तो नाम ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब ये और जैसे तो पूरी डिटेल जानते हैं, अगर आप कहिए तो हम पत्रकार हैं, हम तो बोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, कि एक बात पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई की करी ने गुप्ता बंधु गिरफ्तार किया जिनका नाम था कि इनकी वजह से जो शिशपाल जी कह रहे हैं कि भाई जिनके नाम सफेदपोश नेताओं के तार जुड़ रहे हैं उनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, उसको लेकर संशय बढ़ रहा है। एक मिनट सर, मैं जय सर को जरा चर्चा में ले आऊं, बहुत देर से वेट करें। जय सर देखिए, जोत सिंह बिष्ट जी बहुत मंजे हुए सियासतदान है और उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से इन्होंने जिया है और इनको मालूम है कौन नेता किस बड़े बिल्डर के संपर्क में है और ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि तिलक तुम नाम लो। अगर नाम ले लिए गए तो कई बड़े बड़े चेहरे जिनके सामने से पर्दा उठ जाएगा और बिष्ट जी चाह रहे हैं कि मैं नाम लूं, लेकिन इस पूरे पूरे चैप्टर को देखें और समझें। जैसर मैं आपसे समझना भी चाहूंगा, क्या यह सिर्फ और सिर्फ एक सहानी सुसाइड केस ही दिखाई देता है या फिर वो बड़ा एक जाल, एक नेटवर्क है जो पूरे उत्तराखंड में फैल चुका है हरिद्वार से लेकर काशीपुर तक? तिलक, ये केवल आत्महत्या का सवाल नहीं है, वास्तव में नहीं है। ये सत्ता की दलाली का भी है और जो गठजोड़ होता है क्रिमिनल का, जैसे एक बार एनएन वोरा की रिपोर्ट आई थी, वो होम सेक्रेटरी थे, आप सारे पैनलिस्ट जानते हैं, उन्होंने कहा था जो क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन का जो नेक्सस होता है, जो गठजोड़ है अपराधियों का या माफिया का, नौकरशाहों का और राजनीतिज्ञों का, वो इस देश को खोखला कर रहा। उत्तराखंड को तो कर ही दिया आपने, आपने कहा नहीं वो 500 करोड़ नहीं, वो 200 करोड़ की शादी हुई थी यहाँ पर जी, वो ओली में, और कितना बवाल हुआ था, हाईकोर्ट तक मामला गया, कितनी गंदगी वहाँ फैली, तो वहाँ इतने मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल सिस्टम पे उन्होंने इतना बड़ा दे दिया, अनुमति दे दी, पैसे तो नहीं दी गई थी। अब आप जिस आदमी का नाम लेने से डर रहे हैं उसका नाम है बलजीत सिंह सोनी जी, और मैं बलजीत सिंह सोनी अभी कंप्यूटर पर देख रहा था,
कि एक बार वो बीजेपी से मिले तो एक प्रतिनिधि वो मिले हैं अजय भट्ट जी की तरफ से, और अजय भट्ट जी तब थे क्या कहते हैं आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी शिकायत ये थी कि जब डीजीपी अनिल लतूड़ी थे उन्होंने कहा भाई अध्यक्ष जी के लेटर हेड के नाम से मिसयूज हो रहा, ये हो रहा, सो हो रहा है, FIR लॉन्च करिए। एक दूसरी बार उन्होंने कहा कि भाई दूसरी खबर मैं देख रहा हूँ उनकी कि भाई अजय भट्ट जी का जो रक्षा राज्य मंत्री है उनको कोविड हो गया, उनके ठीक है बात दी गई है। तुम अजय भट्ट जी के प्रवक्ता के तौर पर अनऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हो और खबरें तो आई रही नहीं उन्हीं के नाम से आ रहे हैं। एक बात, उत्तराखंड में दो व्यक्ति कहीं भी कोई फंक्शन होता है, एक तो ये सरदार जी का थोबड़ा आप हर वक्त देख सकते हैं, बलजीत सिंह सोनी का, जहां भी फंक्शन होता है सबसे पहले फोटो खिंचाने आ जाते हैं। ये एक मंत्री हैं जो कई बार दूसरे को धक्का भी देते हैं आगे फोटो खिंचाने आते हैं, ये बलजीत सिंह सोनी उन्हीं में से हैं। आखिर बलजीत सिंह सोनी का रोल क्या है सत्ता के गलियारों में? इतनी एक और भी है अंदर तो है, अंदर तो है ये घुसपैठ क्या अंदर के आदमी है, उनकी इतनी बड़ी अप्रोच है भाई सत्ता के गलियारे में है, वो क्या क्या गुल खिलाते हैं। अभी तो उन्होंने कहा भाई कि हमने तो इनसे मुलाकात कराई है, तुम इतने बड़े बड़े एक हम सोच रहे थे आदमी एक उत्तराखंड आंदोलन से लेके उसके बाद देखा हमने यार बलजीत सिंह सोनी इतना बड़ा आदमी नेता हो गया कि करोड़ों करोड़ों के जो है डील करवा रहा है इधर से उधर बात हो रही है, तो सवाल उसका है माना आप दीजिए आप मान कर दिया एकदम अनिल गुप्ता को या उस गुप्ता बंधुओं को अरेस्ट कर दिया, लेकिन फिर वही मामला हो गया इसका जैसे हुआ था अंकिता हत्याकांड वाला, VIP पता नहीं चला आज तक उसका नहीं। जो आप फिर क्या रावत जी ने कहा नाम लिया, मैं कल रेसकोर्स गुरुद्वारे में साहनी जी के जो उठाला था उस कार्यक्रम में था, लगभग 1500 लोग उस कार्यक्रम में थे, और उस कार्यक्रम में बलजीत सिंह सोनी जो परिवार है पीड़ित परिवार उनसे बाकायदा मेरे सामने वहां पर जाकर के मुलाकात की, और वहां पर मुझे कोई ऐसी दूर दूर तक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी कि साहब ये आदमी अगर इस घटनाक्रम में इस तरह से इन्वॉल्व है तो यहाँ पर क्यों आया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं बलजीत सोनी का बचाव नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बलजीत सोनी के बारे में उस सुसाइड नोट में यही तो लिखा गया कि गुप्ता बंधुओं से मुलाकात कराई थी। मेरा कहना है कि बलजीत सोनी ने मुलाकात अगर कराई तो मुलाकात कराना तो अपराध की श्रेणी में नहीं है मेरी नजर में। नंबर दो बात यह है कि अगर परिवार ने या किसी ने पुलिस के सामने बलजीत सोनी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि वो अपराध की श्रेणी में आती हो, तो उस दशा में जो सवाल खड़े हो रहे हैं मेरे विपक्षी मित्रों की तरफ से कि साहब भाजपा का नेता सफेद पोश उनको बचाया जा रहा है, जब तक साक्ष्य नहीं होंगे तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, ये मैं सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं। तो अभी तक प्लीज जल्दी से फिर बेची आ रहा हूं आपके पास। नहीं ठीक कह रहे हैं बिस्तु जी कह रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी तो कराओ ना आखिर बलजीत का रोल क्या, एक उनके सत्ता के गलियारे में लिंक क्या क्या है, उनकी हैसियत क्या है कि जो इतनी बड़ी बड़ी डील कराते हैं और बीजेपी का नेता बन के सबसे पहले फोटो खिंचाते हैं, उनका रोल क्या है? हम ये नहीं कह रहे उनको फोटो खिंचाना या कहीं पर फोटो खिंचाना, क्या वो भी अपराध की श्रेणी में है? नहीं नहीं, खिंचाना तो अपराध की श्रेणी में नहीं है। और आपने कहा कि डील कराना है, देखिए प्राइवेट डील है वो, कोई सरकारी डील अगर हो तो उसको तो आप मान सकते हैं कि साहब यहाँ पर सरकार के काम में हस्तक्षेप हुआ। दो बिल्डर को बीच में अगर कहीं कोई आपने एक डील करा दी एक प्रोजेक्ट को लेकर के, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो भी अपराध की श्रेणी में आ गया अगर उसमें कोई गलत किस्म की वो हुई है। ये घटनाक्रम अगर न होता तब क्या उन साहब को बुलावा गया, पूछताछ हुई उनसे? तो पुलिस तय करेगी, पुलिस काम कर रही है कि बलजीत सोनी जो है गलत है या कुछ है, हम करें उनका रोल की जांच तो हो पहले पता चले। विषय जांच की है साहब, जांच की है जांच के लिए, आप एक को कह रहे हो कि हमने जेल में डाल दिया, दूसरे को आप जांच के लिए बुला ही नहीं रहे पूछताछ के लिए। और तिलक सवाल ये है, ये आदमी बिना जब इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ये अजय भट्ट जी के प्रवक्ता के तौर पर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते रहे हैं? ये पुलिस में रिकॉर्ड है,
जब डीसीपी के पास गए हैं जोत सिंह जी, जल्दी से जवाब दीजिए, शिक्षा अधिकारियों के पास। नहीं, अजय भट्ट जी के प्रवक्ता के तौर पर अगर उन्होंने कुछ कहा है तो अजय भट्ट जी के नोटिस में कहा होगा। अजय भट्ट जी के नोटिस के बगैर अगर अजय भट्ट जी की इच्छा होगी कि मेरी बात, जैसे प्रतिनिधि नामित होते हैं अलग अलग कामों के लिए, लोकसभा सदस्यों के, राज्यसभा सदस्यों के, प्रदेश अध्यक्षों के, तो अगर ऐसी जिम्मेदारी अजय भट्ट जी ने उनको दी होगी तो उन्होंने किया होगा। अगर जिम्मेदारी नहीं दी होगी तो कैसे कोई कर सकता है? वो तो ये परंपरा है जिसका निर्माण बलजीत सोनी ने किया होगा। बिस्सी कह रहे हैं कि नहीं, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और जिनका आप नाम लेने से हिचकिचा रहे थे उनका नाम रावत जी ने लिया। कितना ही बड़ा आदमी हो उसको नहीं छोड़ बख्शा जाएगा। नहीं सर, आप लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी यही बात बोल रहे थे, आपने कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा, और आज तक आप बीआईपी का नाम नहीं ढूंढ पाए। एक बात सुनिए ना, आपने बीआईपी का नाम नहीं ढूंढ पाए, बीआईपी का नाम जिन्होंने दिया साक्ष्य कहां है? साक्ष्य कहां है? यही तो बात आ जाएगी सर, साक्ष्य कहां है? और फिर बुलडोजर किसके कहने पर वहां पर चला था? अब तो फिर ये भी बता दीजिए सर, मामला न्यायालय में है ना, मामला न्यायालय में है तो सर, न्यायालय में है तो आप ये कह रहे हो ना, या तो ये बोलिए कोई वीआईपी था ही नहीं, जैसे कि आप लोग दबी जुबान में बोलते हो, और फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं, इस पूरे मामले का दूध का दूध और जांच पूरी की जाएगी, और वहां एक तरफ बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है। शीशपाल जी जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, पहला सवाल तो ये है कि ये भाजपा नेता क्या इतने बड़े हैं कि जो है गुप्ता बंधु जो है उनके कहने पे इतनी बड़ी डील करेंगे? आप समझिए ना कि पर्दे के पीछे अन्य भी जो है खिलाड़ी है इस पूरे मामले में, और जैसा कि आ रहा है कि इसमें जो है एमबीजेपी के भी कई बड़े अधिकारियों का जो है रोल है, तो कई पात्र है। हम इसी यही तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी है वो जो है सामने आने चाहिए, और ये इतना सामान्य मामला नहीं। इन्होंने कह दिया कि साहब उन्होंने केवल मिलवाने का काम किया, अरे केवल मिलवाने तक मामला नहीं है, उन्होंने जो है सुसाइड नोट में जो है जिक्र किया। अगर वो चाहते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है तो इनका नाम छुपा भी सकते थे उस सुसाइड नोट में, तो कहीं ना कहीं जो है भूमिका बड़ी है, और निश्चित तौर पर जो है कि असली गुनाहगार अभी भी आजाद घूम रहे, जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा यही कहा कि एक आदमी जो है अधिकारियों के चक्कर काटता रहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरे साथ जो है जेल हो रहा है, मुझे जो है डराने धमकाने का काम हो रहा। अब समय पुलिस प्रशासन एक शख्स ऋषि वो बता रहे हैं भाई 15 दिन पहले शिकायत दी और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। आप शिकायत क्या दी कि मेरी जान को खतरा है? जान के खतरा किस रूप में जाना जाता है? आप कानूनी, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं नहीं, सुसाइड के बजाय अगर मर्डर का मामला होता तो, और ये जो शिकायत 15 दिन पहले गई, अगर उस पर पुलिस जांच न करती, पुलिस ने अपना काम किया, उनको इस ढंग की गतिविधियां कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि जिससे ये लगे कि साहब गुप्ता बंधु इसकी जान के पीछे इस तरह से पड़े। अब उनकी बातचीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुसाइड जांच के बाद पूरी चीजें निकल करके आएंगी चावला साहब कि गुप्ता बंधु ने किस तरह से क्या क्या किया, वो जो लिखा हुआ है उसका भी तो प्रमाणित करना पड़ेगा कोर्ट में। जब मामला जाएगा तो उस स्थिति में पुलिस क्या केवल ऐसे ही क्या एसआईटी जांच चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो पूरे मामले की, सीबीआई जांच चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? तिलक जी, इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में है ये जांच हो, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये कह रहे साहब पुलिस को 15 दिन तक ऐसे मामला ही नहीं लगा कि जो है ये इतना बड़ा है, और 15 दिन बाद जब उनकी जान चली जाती है तब जो आप उसी से भाई राज्य के अंदर शिशपाल भाई कानून व्यवस्था का राज है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपराधी जो आज की तारीख में है वो बेखौफ नहीं है, बल्कि अपराधियों को 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, राज्य के अंदर बाहर हो, उनको खुले घूमने की छूट नहीं है। अगर पहले तो कोई अपराध करने की सोचेगा नहीं, और अगर सोच रहा है तो पुलिस उसको जेल पूछ रही है 24 घंटे के अंदर, और जब व्यक्ति की जान चलेगी तब भी वही है। शीशपाल जी, जहां तक बात रही कि इनके बिल्डर्स के साथ बड़े नेताओं के साथ संपर्क हैं, तो जय सर हमने तो कई बड़े बड़े किरदार देखे जिनके साथ बड़े बड़े बिल्डर्स की फोटो होती थी कांग्रेस शासन काल में भी। ऐसा थोड़ी ना कि ये बिल्डर जो लॉबी है वो तो तब भी एक्टिव ही थी ना सर, और कई बड़े बड़े किरदार थे। अब फिर बिस्सी तो वहां बैठे हुए वो नाम भी ले लेंगे क्योंकि उस पूरे सिस्टम को वो जानते हैं,
और कौन किस किसने तस्वीरें खिंचवा कर क्या क्या किया वो सब जानते तिलक, तिलक जी जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों को बगैर प्रमाण के कह देना उचित नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, देखिए आपने तिवारी शासन काल को भी देखा, आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए, आपने खंडूरी शासन काल को भी देखा, निशंक शासन काल को भी देखा, आपने बाबुरा शासन काल को भी देखा और हरीश्रावत शासन काल को भी देखा, तो आपको नहीं मालूम ये बिल्डर लॉबी जो है वो कहां से खड़ी हुई? मैं कह रहा हूं ऐसा है कि राजपूत हैं, जिसका राज उसके पूत, यस तो बोलिए ना सर ये बात, लेकिन यही बात तो बोलिए ना, ये मत बोलिए। हम जिस मामले में बात कर रहे हैं वहां पर हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो इशारे कर रहे हैं, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये जहां पर बैठते मैं चाहूंगा कि अभी क्या थोड़ा थम जाइए, जरा उसी की विवेचना कर लेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा थम जाइए। फोटो कईयों की कई बड़े नेताओं के साथ है, जानते हैं ना आप? बिल्कुल मैं जानता हूं। और जो बिल्डर हैं उनके पिताजी की भी वो पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ तस्वीरें हैं, आप मुझसे ज्यादा बुलवाएंगे? आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं है कि नहीं? है ना, मैं कह रहा हूं कि है ना सर, कई लोगों की हैं। आप मुझसे कहना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, जो बड़े बिल्डर हैं उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ उनके पिताजी की फोटो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है ना है। सर तो बस अब फिर यहीं थम जाइए, बात छोड़िए ना उसको। जय सर, ये कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होगी, हर हाल में होगी, निष्पक्ष जांच होगी, फाइनल कमेंट आपका। मामला बड़ा लगता है, निश्चित रूप से होनी, सवाल केवल एक व्यक्ति का उसका नहीं है, सवाल ये सत्ता अपराधियों और इनका ब्यूरोक्रेट का नेक्सस का सवाल है। यहाँ पहले भी आ चुका है, एक बार और भी हो चुका है, वो अपराधी ब्यूरोक्रेट नेताओं के जो हरिद्वार में कुछ जमीनें पकड़ी गई थी, बड़े बड़े नेताओं थे, उनसे व्यस्तता, किसी का ससुर था, एक IAS था, तो उस तरह यहाँ मतलब ये राज। और मेरे ख्याल से हम सबसे ज्यादा दस्तावेज तो विष्णु जी के पास हैं, इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, विष्णु जी के पास जितने घोटाले अब तक हुए हैं सारे राज हैं, विष्णु जी ने डॉक्यूमेंटेशन विष्णु जी के पास है, हाँ, पता है मुझे। ये कहे थे अपने पुराने साथी किशोर उपाध्याय जी के साथ, बोले कि ये इसकी जांच करवाओ। नहीं नहीं नहीं, इनके करेंगे, धमाका करेंगे, किसी दिन जब करेंगे तब करेंगे, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन विष्णु जी बहुत अच्छा करते हैं, नहीं बहुत शानदार करते हैं, इनके पास पूरा होमवर्क होता है। तभी तो ये आपके और हमारे कंधे पे बंदूक रख रहे थे, है ना सर? हाँ, लेकिन निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जब तक जब भी सत्ता का कोई व्यक्ति आता है वो आप 75% जांच कराते हैं, कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, उससे शक होता है। माना आपकी नियत है भी ठीक है, आप कुछ छिपाना नहीं भी चाहते, लेकिन फिर तो शक बन जाता है। अंकिता वाले मां क्या मामले में यही तो हुआ, ठीक लोगों के लगा अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो जय सर कह रहे हैं कि भाई जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, न्याय हो, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत सिंह बिजी आपका भी, शीशपाल जी आपका भी और जय सर आपका भी। तो मामला बड़ा है और अब यहां पर जांच किस दिशा में जाती है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।